सम पीपल डिजपियर उसके कारण थोड़े लोग गायब भी हो गए बिकॉज देर एज बिकम माइन्यू उसके एज बहुत कम हो गई थी वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइन्यू एटी सेवन एटी सेवन टाइम माइन्यू हो गए मतलब छोटे हो गए विच मीन्स ही गॉट टू वेट एटी सेवन ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक राइट मिस्टर विलीवंका मस्ट इन्वेट अ न्यू थिंग्स राइट सो मिस्टर मंका सेट दैट सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीवस आई एन सेट टू वर्क वो बोलते हैं कि चलो मुझे अभी वापस काम पर लग जाना चाहिए वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन मैंने अपने ब्रेन को दौड़ाया सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी नई रेसिपी ढूंढने के लिए आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक अ पीपल ओल्डर ओल्डर ओल्डेस्ट एंड ऑलर सो वो सोचे कि मुझे ऐसी मेडिसिन बना चाहिए जो लोगों को बूढ़े 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 बहुत बूढ़े कर सकें फिर वो हंसने लगे आई क्राइड फॉर नाउ द आइडिया वेर बिगिनिंग टू कम और उसके ब्रेन में एक आइडिया है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड वो अपने फ्रेंड को पूछता है कि इस दुनिया में इस वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनी वन एनी थिंग एल्स वो पूछते हैं कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों तक जिंदा रहती है अ ट्री चार्ली आंसर देता है कि अ ट्री राइट तो उसका फ्रेंड जो वंकाई है विली बोलते हैं कि यस राइट योर चाली बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री कौन सा ट्री हो सकता है नॉट द डॉगलर फर नॉट एन ओक ट्री नॉट एन क्लेडर नो 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 माई बॉय इट इज़ अ ट्री कॉल द ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोस अपॉन द स्लोप ऑफ द विलर पीक इन नेवाडा यूएस ओके You can find biscon pins on a Villar Peak today that are over 400 years old. Ye 400 years old ke plants are, you can find it in USA only. This is a fact, Charlie. as any uh derma chronologist, plants ke study ke te, that is called a derma, uh, okay? You like and look the world up in a dictionary when you are home okay?

द टो नेल क्लिपिंग फ्राम एन वन सिक्सटी ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर जो एक वन सिक्सटी एट ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर है उसके नेल्स के नेल्स कलेक्ट किए एंड एग लेट बाई एन टू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड टोटोइस जो टोटॉइज टू हंड्रेड ईयर्स पुराना तो उसके एग कलेक्ट किए बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा द टेल ऑफ एन फिफ्टी वन ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया जो हॉर्स फिफ्टी वन ईयर्स का था उसका टेल उसके टेल के बाल लिए वहाँ से द विस्कर्स ऑफ एन थर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड कैट कॉल एंड क्रमपैट उसके करी खर, मतलब उसके बाल वगैरह खरीद uh, मतलब ले लिए एंड ओल्ड फ्लेफा फ्लेया विच हैड लिव्ड ऑन अ क्रम्पैट फॉर थर्टी सिक्स ईयर्स ईयर्स द टेल ऑफ एन टू थाउजेंड सेवन ईयर्स ओल्ड गाइंड रेड फॉर मैं टीबेट उसने रेड के भी बाल लिए ब्लैक टीथ ऑफ एन नाइंटी सेवन ईयर्स ओल्ड अग्रिमल लिविंग इन अ केव और अमाउंट पॉपर केट उसके भी टीथ लिए ब्लैक कलर के एंड टू बोन्स ऑफ एन सेवन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड कैटेलॉग जो कैटल्स होते हैं उसके बोन्स लिए जो सेवन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड है एंड नाउ ही इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड चाली माई मिस्टर वोंका वेन टू एंड आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टू हैज मेनी इंपॉर्टेंट लिटिल बिट्स ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ दैम वो बोलते हैं कि मैंने सारे इन एनिमल्स के जो ओल्ड है उसके सारे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का लेके जैसे कि आईब्रो आ़, हेयर या फिर हेड्स समथिंग इट वाज नॉट मोर देन एन वंस आर टू ऑफ द जैम स्क्रैप फ्रॉम बिटवीन इट टोस वैल इट वाज अ स्लीपिंग आई ट्रैक्ट फ्रॉम द पिग द द्लोब ब्लोबलिंग द शरा द पॉलीफ्रॉग द जैंट क्यूरिकल द स्टेनिंग स्लग एंड द वेनॉर्मस स्क्वेरल हु कैन स्पीट पॉइजन राइट इंटू योर आईज ये एक ऐसा एनिमल्स है जो आपके आंख में पॉइजन डाले तो फिफ्टी यार्ड अवे अगर फिफ्टी यार्ड से दूर भी आपको आंख में अगर वो जेर चलाइए स्पॉट डेट ओके बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ चार्ली ने बोला कभी मेरे पास टाइम एंड बट देर इज अ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ ओके चार्ली लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इज एन एंड वो बोलते हैं कभी मुझे और कुछ नहीं बताना है बाद में बताऊंगा ओके नाउ आफ्टर दिस बॉयलिंग एंड बबलिंग ये सारे मिक्सचर को उसने बॉयलिंग किया एंड मिक्सिंग एंड उसने टेस्टिंग भी शुरू कर दिया इन माई इन्वेंशन रूम आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप ऑफ एन ऑयल ब्लैक लिक्विड उसने वो सारों से एक ब्लैक लिक्विड फॉर्म किया एंड गेव अ फोर ड्रॉप्स ऑफ इट टू है ना ब्रेव ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड ओमपा लो लोम्पा वॉलेंटियर उसने उसको ट्वेंटी ईयर्स के ये वॉलेंटियर्स को दे दिया टू सी वॉट हैपन तो क्या होता है वॉट डिट हैपन चार्ली आस्क चार्ली ने पूछा क्या हुआ उसके बाद इट वॉज एन फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर बंका उसने बोला बहुत अनबिलीवेबल हुआ द मोमेंट इलो डीट वो फोर ड्रॉप्स उसने पी लिए इफ बी कैन विंग अप ऑल ओवर हीज हेयर स्टार्टड ड्रॉपिंग ऑफ एंड इस्टॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेल ऑफ एंड ट्वेंटी फाइव एंड द माई डियर चार्ली वो ऑज एन वीटा वों का इन्वेंशन वो बोलता है कि वो सडन जिसने वो वॉलेंटियर वो था ओमपालम्पा उसने ये फोर ड्रॉप्स भी लिया हैज देन ही स्टार्टेड मतलब शिवरिंग uh, एंड uh, उसके जो झुरियाँ uh, आ गई थी उसके तीत गिरने लगे थे हेयर फॉल होने लगे एंड तीज स्टार्टेड फॉलिंग ऑल अब एंड ही बिकम एंड सेवेंटी फाइव इयर्स होल्ड ओके सो दिस इज द विंटा वों का इन्वेंशन ओके वॉट ट्री डज मिस्टर हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स What tree does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? How long does uh, this tree live? Where can you find it? How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? Okay. Uh, do you think all these things really exist? Or some of them are purely imaginary? Okay. Uh, why does Mr. Wonka collect items from the, uh, the oldest thing? Do you think this is a right way to begin uh, his invention?

fill in the blanks of the recipe given below with uh, the word from the box okay here is the box given okay uh, in ingredients one onion one cup dal two thin green chilies dash a tea cup uh, teaspoon red chili powder half right easy palak dal yo, you have to make a palak dal okay uh, eight uh, small uh, bounds of palak two tomatoes, salt to taste, wash and cut the vegetable, dash the palak, shade the palak, put everything in a pressure cooker, let the cooker whistle three times, then switch it off, fry a few cumin seeds in a oil and add to one palak dal, that is all the recipe of palak dal, you may have to make it uh, in your lockdown, okay, uh, in front of your mom just try it I'm not telling you to do okay a uh, family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of the family right apko pata ye family tree kisko bolte? fill in the family tree belongs with the names age and other details you think and relevant you may even stick photographs if you have them okay put your uh, family tree up in the class okay you can make it using do for an emphasize Charlie asked what did happen this is why of asking the question. What happened? Right, with emphasis. Given below are the few emphatic utterance. Say them to a your partner. Let's your partner repeat you utterance uh, without the faces Your partner may also add something to show she or he disagree with you. Okay, complete You, I did go there. Partner, you went there. Then what you did? Right, you have to ask the question. You, I do play games. Partner you played. i don't believe you. look at your body. he does not read his book. i took part in inter-school competition. you do say the important, unbelievable, unbelievable things. can anything, anything can happen. the earth does spin around. i can prove myself. we all do what uh, want you to come with us. i can teach you to cook. i know how to cook a very kind of food.

नेम सम लार्ज ट्रीज कॉमनली फाउंड इन योर एरिया आपके एरिया में जो फाउंड होते हैं फाइंड आउट समथिंग अबाउट दैम उसके बारे में जानो हु प्लान्टड देम किसने लगाया था डू बर्ड्स ईट देर फ्रूट्स उसके जो फ्रूट्स होते वो बर्ड्स खाते एंड राइट टू और थ्री सेंटेंस अबाउट ईच वन ऑफ देम ओके फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट एज आर आर ग्रोइंग ओल्ड एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट ओके फॉलोइंग आर अ फ्यू टॉपिक्स सजेस्टेड एज एग्जाम्पल The age profile of the country population. Does it have more young people than old people? Or vice versa? What are the consequences of this? How can we tell how old a tree, how how old a a rock, is? What is the life expectancy of various living things? And various population. How long can we reasonably expect to live? Right? Moving to a poem that is a dad and the cat and the tree. Okay, so here is this uh, poem: Dad and the cat and the tree. Okay, now it is uh, written by Kit writes. Okay. now this morning a cat goes stuck in our tree that's it right just leave it to me so yahan pe is a story about a dad cat and a tree okay so this morning what happens is that hamare jo garden hai usme ek uh, piche ek tree hai uh, bada sa hai uh, patla sa and all that uh, pan wo bahut hilta hai so दै वहाँ पे ऊपर कैट स्टक हो गई थी कैट ऐसा होता है कि कैट ऊपर तो चढ़ जाती tree ट्री के ऊपर पर उतरना उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है तो क्या होता है कि डैड वहाँ सॉरी कैट वहाँ पे फंस जाती है एंड uh, ही सेज टू हिज डैड दैट कैट इज टक ही दैर तो मॉम एंड uh, उसकी जो बेटी है वो नीचे खड़े रहते हैं एंड दैट्स दैट डोंट वरी आई एल गो देन एंड उसको नीचे लेकर आता हूँ दिस मॉर्निंग अ कैट गॉड्स टक इन अ ट्री डैट से ड्राइक जस्ट लीव इट टू मी उसने बोला मेरे uh, मेरे ऊपर छोड़ दो आई ब्रिंग इट डाउन द ट्री वॉज वॉबली ट्री वॉज टॉल मम सेट फॉर गॉड्स गुडनेस सी सेक डोंट फॉल जैसे कि मैंने ट्री को के बारे में आपको बोला था बहुत पतला सा है बहुत तीन मतलब उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हिलता रहता है टॉल है एंड मम बोलती पहले गॉड से प्लीज गिरना मत आप फॉल डैडी को था एटीट्यूड था कि स्कूप डैड आई अ क्लांबर लाइक मी चाइल्ड प्ले दिस इज़ यू वेट एंड सी डैडी तो बोलते कि नो आई डोंट थिंक वो बोलते कि नो नो आई कॉन्ट फॉल ये तो मेरा क्लाइंबर आई एम अ गुड क्लाइंबर एंड ये तो मेरा चाइल्ड मतलब बच्चों का खेल है ऐसे ही फटाफट जस्ट वेट एंड वॉच ही कॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड ही ही लैंडेड इन टू द फ्लावर बेड सो वॉट हैपिन दैट वो शेड से लैडर uh, लेकर आते सीढ़ी एंड उसका पैर फिसल जाता गार्डन में गिर जाते एंड देन फ्लावर से के ऊपर गिर जाते पूरे फ्लावर्स उसके ऊपर लग जाते नेवर माइंड सेट द डैड डैट बोलते कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है ब्रशिंग द डर्ट्स ऑफ इज हेयर एंड इज फेस एंड इज ट्राउजर एंड शर्ट तो बोलते कि नेवर माइंड इट्स हैपन समाइम सो उसके ऊपर पूरा डस्ट लगा तो उसके बालों पे एंड ऑल दट उसके ट्राउजर वगैरह से डस्ट हिला निकालते वेल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे मम सेट डोंट फॉल अगेन ओके सो अगेन डैड बोलते नाउ ट्राई द प्लान बी चलो प्लान बी करते आउट ऑफ द वे चलो हट जाओ मेरे रास्ते से मम सेट डोंट फॉल अगेन ओके ममा बोलती है कि ओके वापस मत गिर जाना ना फॉल अगेन सेट दैट फनी जोक देन ही स्वैंगल्फ ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक सो वॉट हैपन इज दट अगेन ही फॉल अगेन नो नो में नहीं गिर सकता क्या फनी जोक मार रही है देन ही स्वैंगल्फ ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक तो वो ऊपर से वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं एंड uh, मतलब ब्रांच टूट जाती है तो वापस डैड लैंडेड वालो बैक ऑन द डेक मम सेट स्टॉप इट यू विल बी ब्रेक योर नेक सो यर इज दैट वो बोलते कि वो वापस चढ़ते हैं एंड अगेन ही फॉल्स डाउन इन द बैक उसके पीठ पे गिरते एंड ममा ने बोला कि स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक अभी नेक भी टुड़वाना है सो so, रबी सेट दैट नाउ वेल ट्राई प्लान सी ईजी एज ब्रिंकल टू क्लाइम द लाइक मी Uh, जैसे कि इसमें बोलते हैं वॉट आर अबी श्योर से इन डैट बोल रहे नाउ वेल ट्राई प्लान सी चलो प्लान सी करते ईजी एंड रिंकल टू क्लाइम लाइक मी वो बोलते कि अभी तो ये आसानी से मैं चढ़ जाऊंगा देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल गेस वॉट ही डिड नॉट फॉल सो वो गार्डन की वॉल जो लंबी थी तो उसके ऊपर चढ़ गए एंड ही वेंट टू अ ट्री तो इस बार गिरे नहीं अच्छी बात है ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट और ट्री के ऊपर जंप कर रहे थे इन द कॉक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट कैट के ऊपर जाके वहाँ पे गिरे द कैट गेव अ वेल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड प्लीडेड एज पंच टू बी द सेफ एंड साउंड फिर कैट के यहाँ करके वो नीचे जम गई ग्राउंड में सेफली तो एंड कैट से इन दैट आई एम सेफ नो आई हैव सेफली लैंडेड टू द ग्राउंड सो इट्स अ स्माइलिंग प्रिकलिंग स्मग एज कैन बी बट पूर ओल्ड डैड

Landed Wallop fell heavily, Pleased as punch, very pleased. Safe and sound, unhurt. Okay, uh, why was the dad sure he would not fall? Which face in the poem expresses that safe uh, confidence best? Describe plan A and its consequences. Uh, fourth one Plan C was on success. What went wrong then? Fifth one The cat was very happy to be on the ground, right? Pick out the face used to express this idea. Sixth one, describe the cat and dad situation in the beginning and the end of the poem. Okay. Four, seventh one. Why and when did dad say each of the following? Fall, never mind, funny joke, rubbish. Okay. Eighth one. Do you find the poem humorous? I love laughing. Read aloud lines with make you laugh. Okay, thank you.